नमस्कार। संगीत नायक पंडित दरगाही मिश्र संगीत अकादमी द्वारा आयोजित इस स्वर प्रभा कार्यक्रम में मैं विजय शंकर मिश्र आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन करता हूँ। यह कार्यक्रम पद्म विभूषण विदुषी प्रभा अत्रेय जी की रचनाओं पर केंद्रित है, जिन्हें उनके वरिष्ठ शिष्य डॉक्टर नलिनी जोशी प्रस्तुत करने जा रही हैं। कैराना घराने की स्वनाम धन्य गायिका विदुषी प्रभा अत्रेय कंठ सिद्ध गायिका होने के साथ साथ एक शोधार्थी, चिंतक, विचारक, लेखिका एवं बहुत अच्छी गुरु के रूप में भी सुविख्यात हैं। वे बहुत ही अच्छी वाग्यकार भी हैं और परंपरा प्रिय प्रयोगधर्मी कलाकार भी। परंपराओं के बीच में रहकर भी नए प्रयोग कैसे किया जाता है, प्रभा अत्रेय जी इसकी ज्वलंत उदाहरण है। 13 सितंबर 1932 को पुणे में जन्मी प्रभा जी ने हाल ही में अपना 90वां जन्मदिन मनाया है। पुणे विश्वविद्यालय से संगीत में शोध कार्य कर चुकी प्रभा अत्रेय जी ने संगीत की उच्च स्तरीय शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत पंडित विजय करंदीकर, पंडित सुरेश बाबू माने और गान हीरा विदुषी हीराबाई बड़ोदकर जैसे वरिष्ठ गुरुओं से प्राप्त की है और इस प्रकार से वे कैराना घराने के संस्थापक उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब की परंपरा से सीधे जुड़ती हैं। इन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हुए ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा, नाट्य संगीत, गजल और भजन आदि गायन शैलियों को समृद्ध किया है अपनी रचनाओं के माध्यम से। डॉक्टर अत्रेय ने अपने मंचीय कार्यक्रमों का सिलसिला मराठी थिएटर से शुरू किया था। संशय कल्लोल, मान अपमान, सौभद्र और विद्या हरण आदि जैसे मराठी नाटकों में प्रभा अत्रेय की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं। कवि, पत्रकार, संपादक और प्रकाशक श्री अरविंद बख्शी जी उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के रूप में। इनके साथ ही आप सारे लोग यहाँ हैं और आप सब लोग इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान कर रहे हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हर सफल स्त्री के पीछे एक पुरुष होता है। उस पुरुष को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो अरविंद बख्शी जी को सम्मानित करें। उस्ताद अख्तर हसन और श्री ललित सिसोदिया जी को भी मैं रोहित जी को भी आमंत्रित करता हूँ और जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि एक स्टॉल उन्हें भी दें। रोहित जी सांगीतिक कार्यक्रमों का बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अरविंद बख्शी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो नलिनी जी को एक स्टॉल भेंट करें। डॉक्टर साहेब जी उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा जोशी जी एक स्टॉल उन्हें भी भेंट करें। आइए साहेब साहब, प्लीज, आप लोगों के आने से हमारे कार्यक्रम की गरिमा बढ़ती है। प्लीज एक गीत माँ प्रभा अत्रेय के लिए छोटे से कुछ लाइनें हैं जो संगीतबद्ध है। तो दीदी तो प्रोग्राम कर ही रही हैं और माँ की जो संगीत की सेवा है उसको देखते हुए मैं उनको समर्पित करते हुए ये आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। वैसे तो खुद भी सुना देता लेकिन थोड़ा सा संगीतबद्ध होता है तो और ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है। मैं यहीं से ओम कर रहा हूँ।
हम सांगीतिक कार्यक्रमों की ओर चलते हैं और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि नलिनी जी के साथ तबला संगति के लिए उस्ताद अख्तर हसन जी हैं, फरुखाबाद घराने के स्थापित तबला वादक हैं, आकाशवाणी दिल्ली के विभागीय कलाकार हैं और देश विदेश के अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर देश के शीर्षस्थ कलाकारों की संगति कर चुके हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच उपस्थित है, हमारे कार्यक्रम की महिमा बढ़ा रहे हैं। हारमोनियम पर युवा कलाकार श्री ललित सिसोदिया हैं, अपने दादा पंडित बापूलाल और चाचा पंडित घनश्याम सिसोदिया सहित डॉक्टर विनय मिश्र से इन्होंने हारमोनियम वादन की कला सीखी है। और बीच में नलिनी जी, मैथिल के कालिदास कवि कोकिल महाकवि विद्यापति के प्रदेश बिहार में जन्मी डॉक्टर नलिनी जोशी राष्ट्रीय स्तर की बहुलोकप्रिय और बहुप्रशंसित गायिका हैं। पहली रचना विलंबित एक ताल में है और दूसरी द्रुत त्रिताल में। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आज ये जितनी भी बंदिशें प्रस्तुत करेंगी सब विदुषी प्रभा अत्रे जी द्वारा लिखी गई है और उन्हीं द्वारा स्वरबद्ध किया गया है। तो आज का कार्यक्रम विदुषी प्रभा अत्रे जी को ही समर्पित है। तो नलिनी जी से अनुरोध है कि वो अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करें। राग यमन कल्याण। हमारे यहाँ एक राग हुआ करता था कल्याण, बाद में अमीर खुसरो ने उसमें थोड़े से चेंजेज किए और उसका नाम रखा यमन। यमन का अर्थ भी कल्याण ही होता है, तो कल्याण का ही फारसी में अनुवाद उन्होंने यमन के रूप में किया। तो यमन अलग प्रचलित है, कल्याण अलग प्रचलित है और कुछ गायकों ने दोनों को मिलाकर यमन कल्याण एक तीसरा रूप विकसित किया। तो आज नलिनी जी यमन कल्याण से अपने गायन का शुभारंभ कर रही है। Tasmai Shri
Thank you.
सामने आए। Thank you.
Thank you.